परीक्षा में कदाचार जिस तरह से शिक्षा के लिए बहुत बड़ा पाप है, उस तरीके से पेपर लीक भी उतना बड़ा पाप आखिरकार क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जरा पेपर लीक के मामले में भी सोचना चाहिए, वैसी भी कहानी कुछ निकालनी चाहिए जहाँ पैसा और पावर का कॉकटेल है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बायोस्कोप। दोस्तों पिछले दिनों आप में से तमाम लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है बारहवीं फेल, और उस फिल्म में एक बहुत ही अहम दृश्य है, कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है, जब विक्रांत जिन्होंने मनोज शर्मा का किरदार निभाया था, आईएएस का इम्तहान देने के बाद रिटर्न क्लियर करने के बाद वो इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए अधिकारियों ने जब उनसे यह सवाल पूछा कि आप बारहवीं में कैसे फेल हो गए, तो मनोज शर्मा ने यह जवाब दिया कि जिस साल वो फेल हो गए थे उस साल उनके स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी, यानी कि नकल नहीं हुई थी। इसके बाद बोर्ड में बैठे हुए सारे अधिकारी बहुत ही एक तरह से चौंक गए और उनको यह जवाब बहुत ही अजीबोगरीब लगा। हालांकि विक्रांत जिन्होंने मुख्य नायक की भूमिका निभाई है, उनका यह मकसद था कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल साफ गोई से अपना जवाब दें, अपनी ईमानदारी दिखाएं। लेकिन बारहवीं फेल ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां नकल माफिया का जो नेटवर्क होता है, सॉल्वर गैंग का जो नेटवर्क है, उसका पर्दाफाश एक तरह से तमाम फिल्मों में किया गया है। लेकिन मुझे ऐसी कोई फिल्म नज़र नहीं आई अभी तक जिसमें पेपर लीक के बारे में दिखाया गया। पेपर लीक और नकल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एजुकेशन माफिया, हालांकि दोनों के पीछे एजुकेशन माफिया का बड़ा हाथ होता है, पर्टिकुलर हिंदी की अगर मैं बात करूं, मुझे पेपर लीक पर कोई फिल्म ऐसी नहीं दिखाई दी है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से किसी को ऐसी कोई जानकारी हो कि पेपर लीक पर कोई फिल्म बनी है हिंदी में, ना सही भारतीय किसी भी भाषा में या फिर दुनिया की किसी भी भाषा में, अगर आपको मालूम हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें नकल माफिया और एजुकेशन माफिया को लेकर के बहुत ही एक तरह से यथार्थवादी चित्रण किया गया है। आप मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्म को आप याद कर सकते हैं, वहाँ किस प्रकार से नकल को दिखाया गया है, परीक्षा में कदाचार को दिखाया गया है और सॉल्वर को भी एक तरह से उसमें चित्रित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा फर्रे नामक हाल में ही एक फिल्म आई थी, वहाँ भी नकल और चीटिंग क्लास के भीतर परीक्षा के समय किस प्रकार छात्र कर रहे हैं या करवाई जा रही है नकल, इसका भी उसमें चित्रण था। इसके अलावा कुछ और फिल्में हैं, मसलन वाई चीट इंडिया, इसके अलावा सेटर्स, ऐसी कुछ फिल्में हैं जहां नकल को दिखाया गया है और एजुकेशन माफिया की पोल खोली गई है। वहीं एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाने वाली बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी हमारे साथ बनी है, इसमें एक मुन्ना भाई MBBS को तो हम जोड़ ही सकते हैं। 3 Idiots भी पूरी तरह से एक तरह से एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाती हुई फिल्म है। लेकिन अहम सवाल यह है कि पेपर लीक पर आखिर क्यों नहीं फिल्म बन के आई? आपने तमाम अखबारों में, तमाम टेलीविजन रिपोर्ट में यह देखा होगा कि जितनी भी नकल होती है, जहाँ चीटिंग होती है, वहाँ के जो छात्र होते हैं, वहाँ के जो स्कूल का जो परिवेश होता है, वो आम तौर पर ग्रामीण परिवेश होता है। छोटे शहरों में, गांवों में, जहाँ एक गरीब परिवार के तमाम लोग वहाँ पर, बच्चे लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ना ही कोई पावर कनेक्शन है, वहाँ अगर नकल का भंडाफोड़ होता है तो त्वरित कार्रवाई होती है, तुरंत सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। लेकिन जब पेपर लीक की बात जब आती है तो वहाँ पैसा के साथ साथ पावर भी इन्वॉल्व होता है, जैसा कि इन दिनों नीट पेपर लीक
का जो मामला अभी छाया हुआ है, तो आप उसकी पूरी खबर की जब पड़ताल करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से पैसा और पावर का कितना बड़ा कॉकटेल उसमें शामिल है। तो सवाल ये उठ जाता है कि क्या हमारे फिल्म मेकर्स का ध्यान आखिरकार इस पैसा और पावर के कॉकटेल का जो एक नेक्सस है उसकी तरफ क्यों नहीं जा पा रहा, या फिर जो हमारा सिस्टम है इस पैसा और पावर के कॉकटेल को क्यों इस तरीके से ओपन रखना चाहता है, उसको उस रूप में नस्तनाबूद क्यों नहीं करना चाहता जैसे कि नकल माफिया को हम खत्म करना चाहते हैं, या फिर परीक्षा में कदाचार जिस तरह से शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा पाप है उस तरीके से पेपर लीक भी उतना बड़ा पाप आखिरकार क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि हम में से तमाम लोगों को ऐसा ही कुछ सोचने की आदत पड़ गई हुई है कि जहाँ पैसा और पावर है वहाँ बहुत कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन जहाँ बहुत ही गरीब लोग गांव के मुश्किलों और दुश्वारियों से घिरे हुए परिवारों की बात जब आती है तो उनके सामने बहुत तरह की नैतिकता की दीवार खड़ी कर दी जाती है, जिसका चित्रण हमें इन फिल्मों में देखने को मिलता है, बारहवीं फेल जैसी फिल्म में देखने को मिलता है। हालांकि मनोज शर्मा की ईमानदारी काम आती है, बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत को एक तरह से शाबाशी देते हैं, फिर उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन ऐसे केस बहुत ही रेयर है। तो मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ज़रा पेपर लीक के मामले में भी सोचना चाहिए, वैसी भी कहानी कुछ निकालनी चाहिए जहाँ पैसा और पावर का कॉकटेल है। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।